हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो श्री ग्लोबल ट्रेड फिन लिमिटेड शेयर के बारे में करेंगे बात। तो आप सबको पता है, दिसंबर क्वार्टर का जब से रिजल्ट आया, तब से हमें शेयर में कुछ मूवमेंट ज़्यादा देखने को नहीं मिली। और इसका डेफिनेटली रीज़न है क्योंकि 1.27 करोड़ का प्रॉफिट था आया है दिसंबर क्वार्टर का, जबकि सितंबर का था 8.10 करोड़ का। तो फ्रेंड्स, अब पैनिक नहीं होना, बिकॉज अब मार्च क्वार्टर का अगर प्रॉफिट अच्छा आता है तो हमें ये शेयर दोबारा से एक जंप दिखाता है मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है फ्रेंड्स इस शेयर की कि दिसंबर क्वार्टर का प्रॉफिट कम आने के बाद भी शेयर ज़्यादा नहीं टूटा, तो फंडामेंटली काफ़ी साउंड है। EPS इज़ 1.22, PE 6.11, RO इज़ 11.33, मार्केट कैप भी अच्छा है 945 करोड़ का। तो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आने के बाद ये शेयर इतना ज़्यादा नहीं टूटा है, ये अच्छी चीज़ है। अपना काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया इसने हमेशा। इसका 52 वीक हाई है 10.45 एंड लो है 3.96। 10% का बैंड है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करता एक पेनी स्टॉक है। 7 फरवरी के बाद कोई न्यू ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी है 60.91%, पब्लिक की होल्डिंग 39%। 7.25 का नेक्स्ट टारगेट हम इस शेयर में लेके चलेंगे। सो दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। खुद से रिसर्च कीजिए तब इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर स्टिल आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।